गो। मैं अपनी जगह से कहा सिक्सटी अभिषेक मिलियन मोस्ट वॉच्ड वीडियो है ऊपर की। इट्स गोना बी क्रेजी गॉड। ये मैं 3-4 साल बाद देख रही हूँ दोबारा। बेइज्जती लगती है ऐसे सबको क्लियर। क्या हाल है? बढ़िया। थैंक यू फॉर कमिंग सैटरडे को। ऑब्वियसली मैं भी आ जाती। दोपहर को तुम आ गए, अच्छी बात है। पता है मैं माहिम में रहता हूँ। माहिम क्या? कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं। वहाँ मेट्रो बन रही है इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। ओल्ड अपनियो वाज डिफरेंट। क्या जरूरत है? मेट्रो बन तो रही। मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के। ऊपर से मैं दिल्ली था। मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है। मैं क्या, मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है। अब मुझे लग रहा है मैं जोक्स प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। अब मैं मुंबई में रहता हूँ और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया और मैं वो PVR में नहीं गया, मैं उसमें गया। वो सिनेमा हॉल नहीं होता वो सिंगल स्क्रीन। हाँ बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहाँ ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है? आपके गान के नीचे। ओह मैं सिनेमा गई हूँ बहुत टाइम हो गया और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छे तो हैं वैसे। फ्रेश है। फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं। तो मैं एक बालकनी होता है लोअर स्टॉल होता है और मैं कभी लोअर स्टॉल गया नहीं। एक बार गया था, मेरे दोस्त में ले गया था और बड़ी अजीब बातें करके ले गया। कहता है लोअर स्टॉल चलना। मैं कहा मुझे जाना। कह रहा है चलना। मैं क्यों? कह रहा है यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। ये वो कॉमेडी है, वही बातें। मतलब कह रहा क्या हरकतें करते थे, फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं। आ जा आ जा आ जा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। ये यादें बना रहा है जीते हुए, उनको जीते टाइम ही। मैं बस लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे हैं कह रहे ओए याद है जब चाइनीज खा। चबा रहा हूं मैं अभी यार, पेट तक तो पहुंचते खाने को। तो ये ना फालतू की फील में रहता है। क्या करता है ये दोस्तों के बैठ के वो चीजें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंस दिए, ये दोस्ती के पल। मतलब यार मैं जीने दे पलों को पहले तो यार। पल बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें। सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। सेम हरकतें थी। वी ब्रोक अप बट वॉज म्यूचुअली डिसाइडेड दैट आई डोंट डिजर्व हर। वॉज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। लड़ाई होने लगी थी ना। कितनी लड़ाई करोगे आप? एक ही लड़ाई कितनी बार करोगे? जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक ओए कोई मोमेंट बना। मतलब क्या? रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना। मैं कहा होते हैं होते हैं। कहीं तो बना फिर। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा? अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। गॉड इज नॉट सेइंग एनीथिंग, देयर इज नथिंग मेमोरेबल अबाउट दिस ड्राइव टू रिमेंबर लेटर। तो मैंने खंभे में गाड़ी ठोक दी। आप पक्का याद रहेगी हमें? याद है वो पल जब छाती में स्टेयरिंग घुस गया था। हाय वो ICU का वार्ड भुला ही नहीं भूलता। देखो यार ये तो हो गए जोक्स खत्म। अब मैं लाइफ में बताता हूँ कुछ। यार आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था। 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये। अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। और जब बड़ा हुआ था तो समझ आया क्या फुद्दू शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है। क्राइम पेट्रोल कह रहे हैं कि देखो यार
क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। अब तो सीआईडी बहुत बकवास है। तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? बिल्कुल पागलों की तरह। इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली, ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है, क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है सारे। अब पता है इनको एक तरीका आता है, इनको एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड निकालना। ये बस फोन रिकॉर्ड निकाल देते हैं पुलिस वाले। जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया है। इंडोर जॉब है वो। सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं, इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ क्या करना है, बहुत सिंपल है, जिसका मर्डर हुआ पर उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों खड़ा करो यहाँ लाइन में, अब सबके फोन रिकॉर्ड निकालो, निकाल लिए दिखाओ जरा इधर। हाँ तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी, तुम वो मर्डर करा, मैं ही हूँ। टफ डे एट वर्क। ये बताइए ऐसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके दोस्त ही नहीं थे, पुलिस की गांड ही फट गई, क्या करेंगे। ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार। तो नहीं पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया, तो पता नहीं क्या किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे एपिसोड देखे हुए हैं। इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड निकाल लिए, सच में पूरे शहर के, और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे। सबको खड़ा किया, खड़ा करो उसको यार, दिखाओ सबके फोन रिकॉर्ड्स, इनको शौक चढ़ा ना मर्डर करने का, बताते हैं मर्डर करने। मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं, तुम हो मर्डर, मैं तो नहीं हूँ, क्या तार तुम ही हो ना, मैं ही हूँ। क्यों बताइए, क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं, ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी, हाय पापा, उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा। कोई मर गया तुम मजे ले रहे हो उसके, उसे क्या पता था मतलब, और इसको पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी, हाय पापा, पापा को पप्पी, आए मम्मी, मम्मी को पप्पी, आए कुत्ते, कुत्ते को पप्पी, मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे। नहीं, मेरे घर में तो ऐसी सुबह नहीं होती। सच में इसको देख के सोचा था, मैं कहा हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं, हमारे भी ऐसी सुबह नहीं होती, हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार, सुबह उठ के हमारी नहीं पप्पियां जपियां चल रही, हमारी बचपन में भी नहीं थी पता। ये को टाइम आउट ने कहा, आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं ठीक है। खैर उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी, और पहले तो मेरे बाप से पहले उठ गए, मैं तो नहीं मानता ये सब। अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता। सच में वो दादाजी रात के 3 बजे सुबह सो गए, सो जाओ यार। डिसफंक्शनल है और बहुत ज्यादा मेरी फैमिली की तरह। हम सोने जा रहे हैं अभी, नहीं नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लाओ, जाओ बाद में मिलेंगे, सो जाओ चुपचाप। उसमें दिखाया कि उसका बाप सुबह का टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चादर लेकर उसको देख के मुझे नींद आ रही थी, सच में बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है, ये आई अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे, और इसके पापा क्या बोल रहे हैं, ओहो शैतान आ गई।
सैड लाइफ क्लियरली नाटकीय रूपांतर है क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो आखिरी दिन होगा हमारा और मैं जाके उन पे कूद जाऊं तब होगा असली क्राइम पेट्रोल छोड़ो मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला वो जो बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी पर डाम बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार मर्डर हुआ है एक एपिसोड बनाने हैं दो तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गेस करना है क्रिमिनल कौन होगा क्या पता बाप ही निकले और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था मुझे पहले ही पता चल जाता था कि क्रिमिनल कौन है क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास ठीक है उन्हीं में गंदी रिपीट होता है क्या हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई अब इसकी बीवी का पड़ोसन छिड़ जाएगी आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है क्या चक्कर है नहीं बहन जी देखो वो तो एक्टिंग होती इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप बस चलो बेटा बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी क्राइम पेट्रोल ना सॉल्ड केसेस दिखाते हैं सॉल्ड केस ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं जब आप देख रहे हो एपिसोड उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में वो सजा काट रहा है वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा अच्छा मैं दिखा रहे हैं आज हाँ ऐसे ही मारा था ऐसे ही मारा था यही बातें तो बाद में याद आती हैं बट दैट्स टू क्लियर फनी मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार मैं दिमाग खराब हो रहा था सच में बचपन वाले शोज फनी लगते भी नहीं है एक्साइटिंग भी नहीं लगते हैं मैंने उस दिन ट्राई किया ये कैसी लाइफ जी रहा हूं मैं संजू की मैजिक पेंसिल देख के नहीं बंदा बुरा नहीं है पर सपने में आया लाइक भी नहीं है ना मैं पार्टी में आ रहा हूँ लोग कह रहे हैं बाय मैं कहा सतर्क रहें सुरक्षित रहेंगे मैं कुछ अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना एजुकेशन तो मैंने कॉस्मोस देना शुरू कर दिया कॉस्मोस पता है आपको कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है यूनिवर्स पता है ना बहुत सही होता है मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी बस में कुछ चीज़ मुझे अजीब लगी वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ में वो अजीब नहीं वो तो शुक्र है बाकी प्लांट्स तो बहुत ही फुद छोड़ो बाकी प्लांट्स की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे कितनी दफा देखी है मैंने पहले अर्थ हम अर्थ पे हैं अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है तो कहते हैं फिर बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप बिलियन तो जाके एक गैलेक्सी बनेगी फिर बिलियन गैलेक्सीज मिला दो एक लोकल ग्रुप बनता है उससे फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो अब है एक और बिलियन और जब ऐसे 5-6 बिलियन लगा लोगे तब जाके हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को और पक्का है पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को तो रहन दो फिर तुम बस सिलेबस बढ़ा रहे हो बच्चों का अब और ढूंढने का इतना शौक है कोई ढंग की चीज ढूंढ लो मेरी सॉक्स नहीं मिल रही आपने देखा बहुत सारे लोग यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है अननेसेसरी पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं ये मीम है क्या करूं फिर जॉब ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे हाँ स्टार से तो छोटे ही होंगे हम पर स्टार के एग्जाम थोड़ी देना है बैठ के उसमें स्टार्स को बता रहे थे कहते हैं स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है लाइट ईयर्स मतलब लाइट को सालों लगते हैं वहां से यहाँ पहुंचने में तो बता रहे थे जो अभी आप स्टार देखते हो ना एक्चुअल स्टार है भी नहीं स्टार फटके मर चुका है वो तो लाइट आपकी आंख में अब पहुंची है इसलिए आपको अब दिख रहा है मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है वो पापा कहते दादी या नानी फट गए सारे बड़ी गंदी मौत मरे
उसने मुझसे पूछता आपकी नानी कैसे बनी, मैं फटके